हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ गर्मी तपती गर्मी के मौसम में फ्लेवर आएगा आपके लिए एक खास ड्रिंक, जब इसको घर बैठे मिलाते बना रहना इसको सकते अच्छी हैं। तरह। अगर चाहें तो हमारा वीडियो देख करके भी बना सकते हैं। तो घर का सामग्री से बनता है, तो आपको भी मिल्क इस्तेमाल करके और साबूदाना मिला के बना सकते हैं, एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल। तो ये एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारा 2 केजी दूध है, उबाल के इसको 1.5 केजी जला दिए, आधा केजी जला दिए, 1.5 केजी दूध मेरा कंप्लीट है। और अच्छी तरीके से मलाई नहीं रखना था, मलाई छान करके एकदम चिल्ड कर दिए इसको। ये हमारा 1 कटोरी साबूदाना है, साबूदाना भिगो करके पानी में सिझा दिए, थोड़ा गर्म ही है तो इसमें हम थोड़ा चीनी दे देंगे जो शक्कर डालने से, जो हम और इसको मिला देंगे, जो हमारा साबूदाना एक दूसरे से चिपकेगा ना, अलग अलग रहेगा। ये भी एक हलवाई का ट्रिक है। तो आप चाहें और आप बनाना चाहें तो इसको धोने के बनाने के बाद इसको धो भी सकते हैं। तो बिना धोए हुए हैं तो इसका हम शेक बनाएंगे, इसीलिए इसका चिपचिपापन बर्बाद नहीं करेंगे। ये हम साबूदाना अच्छी तरीके से पका चुके थे और सुसुम में ही शक्कर डाल दिए, जो गल जाएगा तो ये हमारा साबूदाना एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, अलग हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें और क्या क्या सामग्री लगेगा तो वो हम बता देते हैं। ये हमारा थोड़ा सा काजू किशमिश है, ये हमारा थोड़ा सा कुतरा हुआ पत्ती काटा हुआ पिस्ता है, थोड़ा मात्रा में हवाई किया हुआ बादाम है, आप काट सकते हैं या कटा हुआ मिलता है। ये हमारा 1 कटोरी सब्जा का बिछा हुआ है, हम भिगो के रखे हुए हैं। तो ये हमारा चिल्ड दूध किया हुआ है, इसमें हम शक्कर डालेंगे, जब मात्रा में नहीं डालेंगे। अगर 1.5 लीटर दूध है तो लमसम इसमें 300 ग्राम शक्कर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ठंडाई यार जो बनता है, थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, तो हम इसमें मात्रा में नहीं डाल रहे हैं, कम डालेंगे तो इसमें और मीठा वाला चीज़ ऐड करेंगे। इसीलिए हम 1/4 कटोरी डाल रहे हैं और थोड़ा सा साबूदाना भी शक्कर डाले हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम 5 से 7 मिनट तक इसको हम फेंट लेंगे, इससे जो हमारा चीनी भी गल जाए और थोड़ा सा मिल्क है अच्छी तरीके से फेंटा जाए। 5 से 7 मिनट इसमें थोड़ा झाग हो जाएगा, लगभग 5 मिनट हो गया। अब इसमें 1 चम्मच हम वेनीला एसेंस देंगे, जो हमारा शेक का फ्लेवर आएगा। इसको मिलाते रहना, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम बहुत बढ़िया से। ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। अब इसमें जो हम साबूदाना चीनी डाल के रखे थे उसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे धीमा से, जो हमारा साबूदाना अच्छी तरीके से मिल जाएगा इसमें। अब इसको छोड़ करके हम इसको इस तरह से हम चला लेंगे, जो हमारा साबूदाना डालें, थोड़ा सा दूध तो गाढ़ा था ही और गाढ़ा हो गया। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ का टुकड़ा भी दे करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ़ डालेंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाए, तो इसलिए बर्फ़ नहीं। फिर हम 1 घंटा के लिए इसको डीप फ्रीजर में हम इसको रख देंगे 1 घंटा के लिए, जो अच्छी तरीके से चिल्ड हो जाएगा हमारा। और जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम गिलास में सर्व करेंगे, तो बता देंगे किस तरह से। ये हमें 1 घंटा फ्रिज में रखा हुआ हो गया हमारा, अच्छी तरीके से चिल्ड हो गया, इसको निकाल देखे हैं। अब इसको सेट कर लेते हैं, सर्व करने के लिए हम रेडी हो गए हैं। 2 गिलास लेते हैं हम ये, तो सबसे पहले इसमें हम 2 चम्मच सब्जा का बीज डालेंगे। ये हमारा भिगोया हुआ सब्जा का बीज है, थोड़ा सा कटिंग किया हुआ बादाम डालेंगे हम, थोड़ा सा काजू। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा रुअफजा डालेंगे, जो हमारा फ्लेवर कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा हल्का ज़्यादा नहीं। इसमें जो हमारा मिल्क है साबूदाना मिल्क, डालने के बाद 1 चम्मच से थोड़ा सा हिला लेंगे हम, ये हमारा कलर चेंज हो गया। ये आपके बीच हमारा ठंडाई तैयार हो गया। एक बार घर में बैठ करके ट्राई जरूर करें। अगर हमारा ये वीडियो पसंद पड़ता है तो 1 लाइक जरूर बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बनता है। ऐसे ही रेसिपी लेकर के हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।